गोगोस वेकोली परिसर में स्थित शालिक्राम नगर में तेज बारिश के चलते इमामबाड़ा दरगाह की दीवार गिर गई है। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुई है। हर वर्ष इस इमामबाड़ा दरगाह पर मोहर्रम के त्योहार में ताजिया बिठाया जाता है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग यह शिरकत करते हैं। ठीक मोहर्रम के पहले दरगाह की दीवार गिरने से अब ताजिया बिठाने का कार्यक्रम खतरे में आ गया है। पुनर्दरगाह का निर्माण करने में सक्षम न होने का हवाला देते हुए दरगाह के फाउंडर शेख मुस्तफा शेख खगू और अमीना बेगम शेख यूसुफ ने सांसद व विधायक को संज्ञान में लेते हुए क्षतिग्रस्त दरगाह का पुनर्निर्माण करवाने की मांग की है। बीसीएन न्यूज के लिए गुगुस से मैं इस इमामबाड़े का मुजार हूं और मेरा नाम है शेख मुस्तफा शेख कालू। इमामबाड़े की पूरी देखरेख करता हूं। अभी पानी आने की वजह से मैं यहाँ साफ सफाई कर रहा था, मेरी दीवार गिर गई और मैं ये बना नहीं सकता और मेरे जितने भी श्रद्धालु लोग हैं उनकी भी माली हालत ठीक नहीं है और मेरी भी कोई ठीक नहीं है। तो मेरी यही गुजारिश है गवर्नमेंट से, जो भी यहाँ के आमदार नीति हो या खासदार नीति हो, इसी भी तरीके से मेरा ये इमामबाड़ा ये 15 दिन में बना के चाहिए, क्योंकि 15 दिन के बाद में यहाँ पर मुहर्रम का जो ताजिया बट्टा आ रहा उसकी स्थापना चालू हो जाएगी और हमको उसके पहले ये बना के चाहिए। बस हमारी इतनी सी गुजारिश है, काम हमारा पूरा कर दो, चाहे आमदार निधि से हो चाहे खासदार निधि से हो। ये इमामबाड़ा में हम जो काम करते हैं ताजिया का, हम किसी से 1 रुपये चंदा लेते नहीं है और हम अपने बलबूते पे ये काम करते हैं। पर ऐसी मजबूरी भी आई है कि हमारी ये ताकत नहीं है अभी ये करने की और ये ऐसे बलबूते में ये ऐसा काम हो गया, ये घटना ये गिर गई है। ये आमदार और खासदार से ये हम मदद लेते, हमारा ये सहयोग नहीं है, इस वजह से हम आपकी मदद ले रहे हैं। ये आप ये मदद के लिए आप स्वीकार हो जाए और हमारी मदद करें आप, इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करती हूँ। चालू होने वाला है और हमारा काम अभी 20-25 दिन है, ये हमारा काम हो जाने को ना, और आपसे इतनी गुजारिश है हमको कि आमदार और खासदार के ये आप हमारे ऊपर ध्यान देना। सदन बाबू रेणुकुंटा की रिपोर्ट।